हम जा रहे हैं। तो मैं सिलेंडर आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देवरानी वापस आ चुकी थी और उसके बाद मेरी तबियत ठीक कर नहीं थी तो लेके जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। तो कंटिन्यू दो दिन तक हम हॉस्पिटल गए थे। पहले दिन दवाई से दस्त नहीं करी थी तो दूसरे दिन मैं वापस डॉक्टर के पास लेके गई थी। और ये घर के पास में ही था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 5-10 मिनट की दूरी पे ही। तो बस मैं वहीं पे लेके जा रही हूँ। और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके आया। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे मेरे बच्चे का छोटा सा फंक्शन करने का डिसाइड हुआ था उसका 6 मंथ का। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मतलब लाइक कि कुछ थोड़ा सा छोटा सा अन्नासन मेरे बच्चे का जो करूँगी तो मैंने उसको कैप्चर करने का कोशिश की है। कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं 6 बजे उठ गई थी उस दिन। और 6 बजे उठ के सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे मुझे बनानी थी पूड़ियाँ और चने मतलब छोले और सूजी का हलवा मीठा में, और बांटने के लिए गिफ्ट लेके आई थी कन्या को खाना खिलाना था। तो मैं बस वही कर रही थी यहाँ पे। और सबसे पहले मैं उठी तो मैंने कहा जब तक छोले बन रहे हैं सीटी के कुकर में चढ़ा दिया था मैंने, तो जब तक कुकर में सीटी बन रही है लग रही है तब तक मैं यहाँ पे साइड में आटा लगा लेती हूँ। तो होता है कि बस ऐसा होता है ना कि लाइफ में ये ऐसा होता है कि आप अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा होता ही है। तो बस वही था कि कुछ डिसाइड किया था बेबी होगा, बेबी के बाद में इसका मैं फंक्शन करूँगी। एंड कहते हैं ना भगवान ने यदि दिया है तो बस उसको संभाल के रखना उसका, इसीलिए। और फिर सोचा भी हुआ भी था कि डिसाइड किया हुआ था कि अन्नासन में धूमधाम से ना लेकिन छोटा सा भगवान का नाम लेके मैं मेरे बच्चे को अन्न खिलाऊं। और तो क्या, क्योंकि कहते हैं 6 मंथ में स्टार्ट कर देते तब तक तो वो बच्चा फीड ही करता है ऊपर से। अब फीड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाना देना स्टार्ट करूँगी। तो बस वही है यहाँ पे, इसी का ही सोचा था। और बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे मैंने जितना थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की यहाँ पे। तो सुबह सुबह दफाई और बैठ गए थे और मेरी हेल्प कराने के लिए, और देवदरानी सो रहे थे। और फिर यहाँ पे जब तक 1-1.5-2 घंटे में खाना बन चुका था, 10 बजे का 9 बजे 9:30 का टाइम दिया था तब तक सारा खाना रेडी हो चुका था। फिर यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके थे 10 बजे तक, और बस कन्याएं आने वाली थी और कन्याएं आ चुकी थी यहाँ पे तो बैठी हुई थी। और टोटल में मैंने 5 से 6 कन्याएं बुलाई थी। तो जितनी अभी जो पहले पहले आते जा रहे उनको खाना खिलाती जा रही थी मैं कि जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे करके बच्चे आते जाएंगे और बच्चों को कन्या खिलाऊंगी। तो बनाया था मैंने छोले की सब्जी और पूड़ी और सूजी का हलवा बनाया था। और सबसे अच्छा क्या लगता है जब बच्चे बोल देना खाना बहुत टेस्टी है, एक की जगह बच्चे 2 से 3 पूड़ी खा जाए ना छोटे छोटे बच्चे, तो इतना अच्छा लगता है कि दिल को लगता है मैंने तो कि उनको पसंद आया। बस वही बड़ी बात थी, यदि बच्चों को पसंद आया तो सब कुछ ठीक है। बस यही सोच के भगवान का नाम लेके मैंने बच्चे का छोटा सा अन्नासन का प्रोग्राम किया था। एंड आई एम हैप्पी कि बच्चों को खाना अच्छा लगा और वो खुद बहुत हैप्पी थे। और बाद में बच्चों को गिफ्ट दी है, मेरे बच्चों का सूट भी किया था मेरे बच्चे का 6 मंथ का, बट मेरे बच्चे ने भी फोटो ढंग से लेने नहीं दी। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे का फंक्शन ख़त्म हो गया था। उसके बाद का उसके 1-2 दिन बाद का है। रात में सब लोग बैठे हुए थे, दादी आराम कर रहे थे, दादा पोता खेल रहे थे पर दादी आराम कर रहे थे, और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही थी और वेट कर रहे थे कि बस काम ख़त्म हो जाता है। और रात को टाइम थोड़ा बहुत बस ऐसे ही चल रहा है इस टाइम में। और आजकल ब्लॉग्स शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि शायद टाइम नहीं मिल रहा है या फिर मैं ही शायद ध्यान नहीं दे पा रही हूँ आजकल चैनल के ऊपर। फोकस करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सब कुछ मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे साथ में। तो बस यही है धीरे धीरे करके चल रहा है। यहाँ पर रूम में आई बच्चे को था दादाजी का, तो फिर रूम सेट करना था। तो बस रात का टाइम था तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे कभी कभी नहाने में भी लेट हो जाता है, खाना में भी खाना खाते कभी 2 से 3 बज जाते हैं क्योंकि अभी बेबी के लिए जैसे दाल का पानी बनाना है या थोड़ा बहुत फ्रूट का जूस बनाना है तो उसके लिए कर लो, उसको तैयार कर लो तो लगता है। फिर उसके बाद में खुद बना के खाना रख देती हूँ बट वही होता है कि खाना बना के खाने में भी कभी 2 से 3 लग जाता है। लोग बोलते हैं बहुत आसानी से बोलते हैं, करती ही क्या है। बट सबको जितनी भी गर्ल्स हैं सबके सब कहते हैं ना
अपने टाइम पे जिस जिसने सबने ही झेला, ऐसा नहीं कि सबने सबने फेस किया ये सिचुएशन, आप कोई भी आपको कमेंट करके चला जाएगा, बट सब कुछ मैनेज आपको ही करना होता है और आप बहुत ब्रेव हो। और मुझे लगता है कि हर लड़की ने अपने टाइम पे ये चीज़ें देखी होगी, जब लोग आपको पास आके बोल देते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं तो वैसा करो, अच्छा ये ऐसे नहीं करती है, ढंग से नहीं करती है, बच्चा थोड़ा बीमार हो जाता है सीधे माँ के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है, इसको सर्दी लगी हुई, इसने कुछ खा लिया होगा, इसने ऐसा ऐसा कर लिया होगा, सीधे बिल माँ के नाम पर पड़ जाता है सीधे, एक सेकेंड लगता है। लेकिन वही है ना कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सुनने को मिल ही जाती है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे भी है, और मुझे लगता है सबके साथ होता ही है, उन्होंने अपने टाइम पे सुना होगा इसलिए आगे जाके हमको सुना रहे हैं, तो फिर चलता है। और कुछ आदत भी होती है लोगों की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस रात के टाइम में एक बार बिस्तर सेट कर लेती हूँ और सब कुछ चल रहा है इस टाइम में ऐसा। और वीडियो का तो ऐसा हो रहा है कि चैनल पर ध्यान ना दे पाना, कभी कभी लगता है कि फोकस चला गया है, और पहले वीडियोस बनाती थी आजकल नहीं बना पा रही हूँ। चाहती हूँ बहुत सारी वीडियो शूट करना, बट कहीं ना कहीं वो होता है ना कि वो टाइम नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे नहीं मैनेज हो पाता है कभी कभी, बस ऐसे चल रहा है। तो मैनेज करना सब चीज़ों को, और ऐसे बस चल रहा है। तो दादा का सपोर्ट है, और फिर थोड़ा बहुत दादाजी से खिला लेते हैं तो मैं पीछे से सारे काम कर लेती हूँ। आजकल दादी के पास ज़्यादा काम है, क्योंकि दादी के पास इसको घूमने के लिए खड़ा होके चाहिए होता है, और दादी इसको खड़े लेके नहीं घुमा सकी, वो पर दादी है, उनकी एज हो चुकी है। तो और ससुर जैसे काम पर चले जाते हैं तो पूरा दिन आप ही को लेके मुझे ही लेके घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है आप अकेले हो तो भी, क्योंकि दादी के भी, क्योंकि उनकी भी एज है तो वो नहीं ले सकते, और वो सही भी है, तो आपको ही अकेले मैनेज करना होता है, वॉशरूम जाना हो, नहाना हो, तो ऐसा होता है कि यदि वो सो रहा है तब तक तो आप भाग भाग के कर लो या खाना बना लो ऐसा, और बाकी तो बस चल रही है ज़िंदगी। और बच्चा 6 मंथ का हो गया, ट्रस्ट ही नहीं होता है कभी कभी। अरे कल ही का दिन तो था जब मैं इसको अपने ही छोटा सा देखा था, अभी ऐसा लगता है कभी कभी कि यह सच में ये टाइम बहुत अच्छा है, मैं मेरी बेबी को कहते ना कि छोटा ही रहे अभी तो, बट कहते हैं ना हर चीज़ हर एज हर सब कुछ अच्छा है जैसा भी है, बहुत कीमती पल है। बीच में दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी उसके 2-3 दिन बाद, तो दादी को हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर दादी को क्योंकि दादी को मतलब वीकनेस आ गई थी, तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे रात सुबह दोपहर में लेके गए थे, तभी रात हो रही, रात को वो वापस घर आ गए थे, तो ऑटो में लेके आए थे उनको वापस। तो यहाँ पे दादी आराम कर रही है रूम के अंदर, और फिर अगले दिन दादी वापस से वेल सेट हो गए, फिर सबसे बात बात कर रही थी, वीडियो पसंद आ चला।